तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर का। इसका सारा चीज़ हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे। कट ऑफ कितना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, इस कॉलेज का लोकेशन कहाँ कहाँ पर ये कॉलेज प्रेजेंट है, प्लेसमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, इस कॉलेज से नौकरी जॉब वगैरह लगता है कि नहीं, कैंपस फैसिलिटीज़ क्या है, क्या ये एक सही कॉलेज है, क्या यहाँ पर 4 साल का जो आपका कॉलेज लाइफ होने वाला है क्या वो सही लाइफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू का। तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम है हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर। कॉलेज का नाम क्या है हमारा? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर। अगर इंस्टीट्यूट टाइप का बात करें कि ये कॉलेज प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली जैसा कि नाम है इसका, ये कॉलेज पूरे तरीके से गवर्नमेंट है। अगर इस्टैब्लिश्ड का बात करें कि इस कॉलेज का इस्टैब्लिश कब हुआ था, निर्माण कब हुआ था, तो इस कॉलेज का इस्टैब्लिश 2018 में हुआ था। इसका फर्स्ट बैच 2022 में पास आउट हो चुके हैं। अगर लोकेशन का बात करें कि कॉलेज कहाँ प्रेजेंट है, तो कॉलेज आरा में प्रेजेंट है, जो कि बिहार स्टेट के अंदर आता है। इस कॉलेज का लोकेशन बिहार के जितने भी अलग इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनसे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये मेन सिटी में पड़ जाता है। इसके अगल बगल बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे महाराजा कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं, तो इस कॉलेज का लोकेशन काफ़ी सही है। अगर मोड ऑफ एडमिशन का बात करें कि आप इस कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो एग्ज़ाम होते हैं, पहला जेई मेन, दूसरा बीसीईसी। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर जेई मेन को मिलता है, क्योंकि जेई मेन हमारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है। जेई मेन से सीटें भरी जाती है, जेई मेन से जब सीट नहीं भरती है, बहुत सारी सीट खाली बच जाती है, तब बीसीईसी को कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ हमारा मेन एग्ज़ाम हो जाता है जेई मेन। जेई मेन का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। जेई मेन का जो लास्ट रैंकर है वो भी बीसीईसी के फर्स्ट रैंकर से ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि अगर जेई मेन का लास्ट रैंकर कॉलेज छोड़ेगा तभी बीसीईसी के फर्स्ट रैंकर को कॉलेज मिलेगा। जहाँ पर जेई मेन हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जेई मेन को आप 12th के बाद दे सकते हैं। काफ़ी ईजी एग्ज़ाम होता है बिहार इंजीनियरिंग के लिए। जेई मेन को आप 12th के बाद के 2 साल तक दे सकते हैं, 3 साल तक ही देने का रहता है। एक जब आप 12th अपियरिंग कर रहे हैं, दूसरा उसके 1 साल बाद, और तीसरा उसके भी 1 साल बाद। और ये एग्ज़ाम कोई भी हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है, क्योंकि बहुत लोग जानते ही नहीं है बिहार इंजीनियरिंग के बारे में या फिर जेई मेन के बारे में, तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो बहुत सारा सीट खाली बच जाता है। इतना सिंपल एग्ज़ाम होता है कि फिर बीसीईसी से फुलफिल कराना पड़ता है। तो यहाँ पर मेन एग्ज़ाम हमारा जेई मेन होता है। अगर आपको अच्छा से कोई ब्रांच चाहिए, डिज़ायर्ड ब्रांच चाहिए, डिज़ायर्ड कॉलेज में जाना है, तब आपको जेई मेन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि बीसीईसी से बहुत सारे ब्रांचेस नहीं मिल पाते हैं। सीएससी वगैरह जो भी टॉप लेवल के ब्रांचेस या फिर जो टॉप लेवल के कॉलेजेस जैसे एमआईटी, भागलपुर, बख्तियारपुर, ये सब बीसीईसी के थ्रू नहीं मिल पाते हैं। अगर बात करें कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर में हमारा बीटेक कोर्स होता है, जो कि बैचलर डिग्री है, 4 साल का एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है। अगर सीट मैट्रिक्स का बात करें तो उससे पहले ब्रांच देख लेते हैं। तो हमारा इस कॉलेज में ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग। देखिए, हो सकता है कि इस बार ब्रांच को बढ़ाया भी जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ब्रांचेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि इस कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस नहीं आया, तो हो सकता है कि इस बार इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस आ जाए। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें कि प्रत्येक ब्रांच में कितने कितने सीट है, तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट प्रेजेंट है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 60 सीट प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 60 सीट प्रेजेंट है। और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी हमारे पास 60 सीट प्रेजेंट है। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ का। तो अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर के अंदर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, और आप कितना भी परसेंटाइल लाते हैं, सबसे पहले परसेंटाइल क्या होता है इतना समझिए कि अगर आपका 90% आ रहा है, तो आप समझिए कि जो एग्ज़ाम में जितना बच्चा बैठा था उसे आप 90% बच्चों से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है। अगर परसेंटाइल के रूप में बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं,
आप जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, नो मैटर आपका कुछ भी परसेंटाइल मिल आ रहा है, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजीली मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऐसा सीन है कि कॉलेज में इसका सीट भी नहीं भरता है, 5-6 बच्चे ही आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो इसमें आपका कुछ भी परसेंटाइल आ रहा होगा, 1% भी क्यों नहीं आ रहा है, आपको ये इस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजीली मिल जाएगा। अगर बात करें सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। देखिए 35% पर भी आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, बट हो सकता है कि आपको मॉपअप में जाकर के मिले या फिर सेकेंड राउंड में मिले, बट आपको सेफ खेलना है कि बस हम इतना ले आ दिए और फिक्स है कि हमारा हो जाएगा। तो अगर आप 35% से ज़्यादा लाते हैं और आप जनरल हैं तो आपको ईजिली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा। अगर ओबीसी का बात करें तो 25% से ज़्यादा लाने पर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर एससी कैटेगरी का बात करें तो 20% से ज़्यादा लाने पर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर एसटी कैटेगरी का बात करें तो आपको 10% से ज़्यादा लाने पर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% से ज़्यादा लाना पड़ेगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10% से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% से ज़्यादा लाना पड़ेगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर का कैंपस फैसिलिटीज़ का बात करें तो इसका अभी कॉलेज पूरे तरीके से बना नहीं है। इसका क्लासेस अभी चल रहा है आपका बीसी बख्तियारपुर में, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इस बार से हो सकता है कि आपका क्लासेस शिफ्ट हो जाए क्योंकि कॉलेज ऑलमोस्ट पूरा बन ही चुका है। फिर भी अगर कैंपस फैसिलिटीज़ की बात करें कि इस कॉलेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आने वाला है, तो जैसा कि आप सबको पता है, जैसा कि सारे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सुविधाएं हैं, जो नया नया बन रहे हैं, वो सारा चीज़ आपको मिल रहा होगा। जैसे कि कंप्यूटर सेंटर, जो कि आपका पीपीएस लैब होगा जहाँ पर आप जाकर के सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी भी होगा आपके पास, जहाँ पर आप बुक्स वगैरह, डिजायर्ड बुक जो आपको बुक चाहिए होगा आप लेकर के एकदम फ्री में पढ़ रहे होंगे। ऑडिटोरियम होगा आपके पास, जहाँ पर आपका पार्टी वगैरह होगा, फ्रेशर पार्टी या फेस्ट वगैरह या फिर फेयरवेल पार्टी। कॉलेज के अंदर जाते जाते ही बच्चों को फ्रेशर पार्टी मिलता है, वो आपको ऑडिटोरियम में ही मिलेगा। आपके पास स्मार्ट क्लासेस होंगे, स्मार्ट बोर्ड्स होंगे, क्लासरूम्स एंड लैब्स होंगे। जितने भी आपके ब्रांचेस हैं सबके प्रॉपर अलग अलग क्लासरूम्स होंगे, सबके अलग अलग लैब्स होंगे। हॉस्टल्स भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो रेसिडेंशियल तो होगा ही होगा, तो आपको हॉस्टल्स भी मिलेंगे। कैफेटेरिया होगा, जो कि आपका कैंटीन होगा, जहां पर आप जाकर के हैंग आउट या फिर चिल आउट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ, जो भी आपके पास। कॉमन रूम्स भी होंगे आपके पास, कॉमन रूम्स, अगर आपका कॉमन रूम, देखिए कॉमन रूम दो जगह होता है, ठीक है, कॉलेजेस में, पहला तो हॉस्टल में, दूसरा एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स जहाँ पर आपका क्लास चलता है, अगर आपका हॉस्टल में कॉमन रूम है तो कॉमन है सारे ईयर के बच्चों के लिए, जैसे कि फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का जाकर के वहाँ पर मीटिंग वगैरह कर रहा होगा। अगर कॉमन रूम आपका एकेडमिक में है तो आपका कॉमन है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, वहाँ पर जाकर के गर्ल्स और बॉयज़ कॉमनली उस रूम में बैठ करके डिस्कशन वगैरह या फिर कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कॉमन रूम हमारा बना रहता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस पढ़ाई ही होता है वहाँ पर। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, वहाँ पर आपको क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, इंडोर गेम्स भी मिलेंगे, कैरम, चेस, सारा चीज़ आपको वहाँ पर खेलने के लिए मिलेगा। तो आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स सेंटर भी है, और ऑब्वियस सी बात है यार, कैंपस है तो गार्डन तो होगा ही, तो आपके पास गार्डन भी है। तो ये रहा आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर का कैंपस फैसिलिटीज़, जो कि काफ़ी सही है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। अगर फी का बात करें कि अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर से, तो एस्टिमेट हमारा कितना पैसा खर्चा होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेमेस्टर का, यानी कि 6 मंथ का। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका
चार साल का कितना पैसा स्पेंड होने वाला है इस कॉलेज में अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो अगर एडमिशन फी का बात करें तो आपको एडमिशन कराते से ही कॉलेज को पे करना होगा 2630 रुपया। और ट्यूशन फी का बात करें, ट्यूशन फी क्या होता है, जो आपका एकेडमिक में स्टडी वगैरह चल रहा था, टीचिंग चल रहा होता है, जो उसका फी होता है तो उसका है 120 रुपया पर सेमेस्टर। अब सेमेस्टर क्या होता है, तो सेमेस्टर एक टाइम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का, तो 6 मंथ में आपसे बोलेंगे ट्यूशन फी 120 रुपया, जो कि आपका मंथ का पड़ेगा 20 रुपये, जो कि काफ़ी सस्ता है भाई। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, तो ये हमको लगता है कि पूरे इंडिया में इससे सस्ता कोई कॉलेज नहीं है। अगर ट्यूशन फी के मामले में बात करें तो 20 रुपया आपका पर मंथ पड़ रहा है, ठीक है। अगर एग्जाम फी का बात करें तो एग्जाम फी आपको 3700 देना होगा अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ये हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है बट कोई नहीं, इतना चलेगा। अगर हॉस्टल फी का बात करें तो हॉस्टल फी आपके पास 1000 लगेगा आपका हॉस्टल फी मंथली, ठीक है। हॉस्टल फी आपको कितना लगने वाला है, 1000। देखिए हॉस्टल फी इनिशियली लगता है 1000, अगर आपका हॉस्टल का सारा बेड ऑक्यूपाइड है, सारा रूम भरा हुआ है, तो हो सकता है कि आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है या फिर जो भी डायरेक्टर है वो उसको रिड्यूस करके 800 कर दे। हमारे कॉलेज में 1000 था बट यहाँ पर 800 हो गया है, ठीक है। अगर मेस फी का बात करें तो मेस फी आपका पूरे बिहार इंजीनियरिंग का चल रहा है 3300। ये कस्टमाइज भी किया जा सकता है बट उसमें आपको क्वालिटी या फिर क्वांटिटी से थोड़ा मैनेज करना पड़ सकता है, बट आपका जो एस्टिमेट मेस फी चल रहा है वो है 3300 पूरे बिहार इंजीनियरिंग का। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर रहा है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 4 साल का कितना कॉस्ट आने वाला है अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के फी के बारे में बात करें तो आपको एडमिशन कराते से ही 2500 रुपया कॉलेज को देना पड़ेगा। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर आपका उतना ही है जो कि 20 रुपया पर मंथ आता है। एग्जाम फी आपको 700 रुपया देना पड़ेगा। एग्जाम फी काफ़ी कम है एससी और एसटी के लिए, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। जनरल और ओबीसी का देखें तो वहाँ पर 3700 देना पड़ता है और जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 700 रुपया पे करना पड़ता है, जो कि काफ़ी सही है। मैं अपील करता हूँ यार जनरल और ओबीसी का भी थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए। अगर हॉस्टल फी का बात करें तो हॉस्टल फी आपको सेम पे करना पड़ेगा 1000 पर मंथ। और मेस फी का बात करें तो मेस फी भी आपका सेम ही रहेगा 3300 पर मंथ। तो ये हमारा फी स्ट्रक्चर रहा एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए। यहाँ से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4 साल में आपको कितना पे करना पड़ेगा इस कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए। ये तो रहा फी स्ट्रक्चर। अब स्कॉलरशिप भी देख लेते हैं, क्या कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति होता है, ये सारे सरकारी कॉलेजेस है, क्या सरकारी कॉलेजेस में छात्रवृत्ति मिलता है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार का बेसिकली आपको छात्रवृत्ति जो भी स्कॉलरशिप होता है मिलता है। पहला है प्रगति। प्रगति सिर्फ गर्ल्स के लिए ही रहता है, तो बॉयज़ इसमें बॉयज़ के लिए थोड़ा घाटा जाता है। बॉयज़ को एक ही स्कॉलरशिप मिलता है जो कि पीएमएस, गर्ल्स के लिए प्रगति रहता है जो कि काफ़ी सही अमाउंट दे देता है आपको। और दूसरा हमारा पीएमएस, जिसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। अगर ये बात करें तो इससे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्कॉलरशिप ले सकते हैं इसके थ्रू, जो कि ये भी काफ़ी सही अमाउंट देता है। अगर इसका एस्टिमेटेड अमाउंट का बात करें तो अगर आपका इंजीनियरिंग करने में 4 साल में टोटल कंप्लीट करने में आपका 10 रुपये लगता है एज अ एग्जाम्पल, तो आपका मान कर चलिए 5 से 7 रुपया ये स्कॉलरशिप से आ रहा होगा। 5 से 7 रुपया इस स्कॉलरशिप से आ रहा होगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। आपको 5 से 3 रुपये के बीच में ही अगर आपका 10 रुपये लग रहा है तो, यानी कि 50-70% ही आपको पे करना होगा खुद से, बाकी आपका स्कॉलरशिप से ही सारा मैनेज हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे बिहार में जिनके पास एडमिशन तक के लिए भी पैसा नहीं होता है, जो कि हमारा एडमिशन फी है 2600 या फिर 2500 जो भी है, उसके लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। उसके पास हॉस्टल फी देने के लिए पैसा नहीं होता है, मेस फी देने के लिए भी पैसा नहीं होता है। तो उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा सा स्कीम आया है, जो कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इजीली अपने कॉलेज के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसका लोन इंटरेस्ट काफ़ी कम है, 4%, वो भी आपको अभी पे नहीं करना, 4%। 4 साल बाद से आपको 4% लगना स्टार्ट होगा। अगर अभी बात करें बैंक का जो इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक अभी 12 से 18% का इंटरेस्ट लेता है और ये आपका मात्र 4% इंटरेस्ट लेगा, वो भी अभी अगले साल से लेना स्टार्ट नहीं करेगा। जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, उसके चौथा साल जब खत्म हो जाएगा, 5वें साल से आपका इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा, वो भी 4%, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। कितना बार तो ऐसा भी हुआ कि सरकार ने
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को माफ कर दिया, यानी कि लिया ही नहीं, बोला कि इस बार का चलो माफ हो गया चुनाव वगैरह के कारण। तो हो सकता है कि आप भी लकी साबित हो और आपका भी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो भी आप लोन ले रहे हैं वो आपका माफ हो जाए। और इसका एक और चीज़ है कि अगर आपका जॉब लगता है, गवर्नमेंट जॉब लगता है, तभी आपको ये पे करना है, नहीं तो आपको पे नहीं करना है। और पे करना भी है तो कैसे पे करना है, एक साथ सारा नहीं, आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है 2000 या 3000 ऐसे करके इसका इंस्टॉलमेंट मंथली पे करना होता है। तो मैं यही एडवाइस दूंगा सबको, आप गरीब या फिर अमीर, आपके पास पैसा है या फिर नहीं है, आप कितना भी आपके पास पैसा है, मैं बोलूँगा आप इस स्कीम का फायदा उठाएं, हो सकता है आपका भी माफ हो जाए, तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में पक्का अप्लाई करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। तो अगर इस कॉलेज का प्लेसमेंट का बात करें तो इसका कोई प्लेसमेंट ब्राउजर में इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला, बट मैंने गूगल सर्च किया तो गूगल पर शिक्षा के वेबसाइट से हमें मिला कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स हुई हैं। ऑब्वियस बात है सारा कॉलेज में प्लेसमेंट्स हो रहा है, ठीक है, बट किसी किसी कॉलेज का काफ़ी हाई पैकेज चला जा रहा है, जो कि बहुत पुराने पुराने या फिर जो अच्छे अच्छे कॉलेजेज है, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया हमारा, बीसी भागलपुर, बीसी बख्तियारपुर हो गया, बट जो नए कॉलेजेस बने वहाँ पे भी प्लेसमेंट हो रहा है, बट उनका पैकेज उतना नहीं जा रहा है या फिर उतने बच्चे नहीं प्लेस्ड हो पा रहे हैं, ठीक है। इसका हमने गूगल सर्च किया तो गूगल पर हमें शिक्षा के वेबसाइट से मिला कि यहाँ पर भी प्लेसमेंट हुई है, जो कि आपका इट हैज़ बीन एन एवरेज प्लेसमेंट रेट, जो कि एवरेज प्लेसमेंट रेट है। टॉप रिक्रूटर्स आर HTL टेक्नोलॉजी, HTL कंपनी आपको पता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये रिक्रूट किया है कंपनी में। देखिए प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑफ कैंपस, दूसरा होता है ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस आपका होता है जहाँ से आप खुद से फाइट मार करके ट्राई करते हैं, कंपनीज का फॉर्म फिलअप करके वहाँ पर उसका एग्जाम क्रैक करते हैं, HR इंटरव्यू क्रैक करते हैं, तब आपका प्लेसमेंट होता है। दूसरा आपका होता है ऑन कैंपस, ऑन कैंपस यानी कॉलेजेस आपका कंपनीज को बुलाते हैं और वहाँ से आपका इंटरव्यू होता है कॉलेज में, और कॉलेज से आपको सिलेक्ट करके लेकर जाती हैं। तो ऑन कैंपस ऑब्वियस बात है यार सही है, क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो रहा होगा, कॉलेजेस के बच्चों से ही कंपटीशन हो रहा होगा, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जिस कॉलेज से ऑन कैंपस लगता है। तो बिहार इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं सबसे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स लगना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से भी लगा है। यहाँ पर रिक्रूटर्स HTL कंपनी हमारा स्टीवो एंड TCS भी है। द मिनिमम सैलरी पैकेज ऑफर्ड, यानी कि जो सबसे कम सैलरी ऑफर्ड किया था, ऑफर हुआ था इन तीनों कंपनी के द्वारा, वो था आपका 3.3 लाख पर एनम। पर एनम क्या होता है, यानी कि एक साल में आपका CTC होगा 3.3 लाख। CTC होता है आपका कॉस्ट टू कंपनी, यानी कंपनी आपके ऊपर कितना खर्च कर रही है, वो है 3.3 लाख, जो कि अभी काफ़ी सही है, वो भी मिनिमम पैकेज है। अगर बात करें कॉलेज काफ़ी नया है, अगर आपको इनिशियली इतना अमाउंट मिल रहा है तो फिर भी सही, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता ही है, तो यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी कर सकते हैं इस अमाउंट को। तो ये इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स। तो ये हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर का प्रॉपर तरीके से फुल्ली रिव्यू रहा। आई होप आपके मन में जितना भी डाउट्स होगा इस कॉलेज के रिगार्डिंग सारा आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट बच गया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको एडमिशन लेना और आपको पता नहीं कि एडमिशन कैसे लेना है, आपको ये भी नहीं पता कैसे एग्ज़ाम देना है, कब एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, क्या एग्ज़ाम हार्ड होता है, ऐसा कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा यार, आप लोग देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। देखिए आपका ये फायदा हो रहा है कि नहीं, आपको सारा कॉलेजेस के बारे में डिटेल मिल रहा है कि क्या कैसे कॉलेजेस अच्छी हैं कि नहीं, क्या जॉब लगने वाला है कि नहीं, आपको फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, एक बटन क्लिक करना है यार, मुझे भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना, तो आप भी सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।